हाँ तो दोस्तों, आपके अपने वीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित है आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर, जो बच्चे 12th का 2023 यानी 2023 में बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव आंसर की होता है वो बिहार बोर्ड जारी कर चुका है। यानी जो 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर की बिहार बोर्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो 12th का ओनली, अभी 12th का जारी हुए, 10th का नहीं हुए, 12th का जारी होने का कारण क्या है सर? तो 12th का जारी होने का कारण यह है कि 12th का जो कॉपी था वो पूर्णतः चेक हो गया है। यानी कॉपी जो था वो चेक हो गया है, 12th का 5 मार्क चेक था। अब उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप सभी को आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं। तो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन, बिहार बोर्ड BOARD onlinegovernment.in, इस वेबसाइट पर आप सभी को जाना है। और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप सभी को आंसर की देखने को मिल जाएगा। आंसर की जब देखने को मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा, मिलाइएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन में, देखिए यह इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप इसमें नहीं तो फिर जो ये आंसर जारी किया है इसी के हिसाब से आपका 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक होगा, चाहे यह आंसर गलती हो या सही हो। तो जितने भी स्टूडेंट है जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो जाकर एक बार आंसर की जरूर देखेंगे। यदि कोई आंसर की में आपको आपत्ति हो, आपत्ति यानी लगता है कि यह आंसर जो है इसका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है और आपके हिसाब से उसका ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शन दूसरा होगा, कोई दूसरा अन्य विकल्प होगा, तो आप उस आपत्ति को इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, तो इस वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पर एक ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आएगा, ऑब्जेक्शन करके कुछ लिखा होगा, उस पे ऑब्जेक्शन 12th आंसर की शायद आ रहा है 2023, तो उस पे आपको क्लिक करना है और उस पे जो क्वेश्चन आपत्ति हो उस पे आपको बता देना है। तो जितने भी बच्चे हैं जो 12th का एग्जाम दे दिए हैं उनका आंसर की 50% यानी ऑब्जेक्टिव का जारी हो चुका है, वो सभी जाकर देख ले। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउट लगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप जो सही लगे उसको जाकर इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑब्जेक्शन 12th आंसर की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद उस पे आपको अप्लाई कर देना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।